नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में मुक्तिधाम की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहीं लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। एक ओर जहां सरकार विकास के दावे कर रही है, उसी विकास की एक तस्वीर राहतगढ़ के ग्राम हुरा परासरी कला से सामने आई है, जहां एकमात्र शमशान घाट है वहां भी क्षतिग्रस्त हालत में बना हुआ है। ना तो दाह संस्कार करने के लिए टीन शेड और न ही मुक्ति धाम जाने के लिए रास्ता। दाह संस्कार के लिए शमशान घाट तक ले जाने के लिए लोगों को करीब 3 फीट पानी में से भरे नाले से गुजरना पड़ता है। वहीं लोगों को डर लगता है कि कहीं पे ना फिसल जाए। 1500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में हरिबाई राजपूत उम्र 70 वर्ष का स्वर्गवास हो गया। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने के लिए दलदल वाले रास्ते और गंदे नाले में से निकलना पड़ा। अगर मुसीबत के रास्ते शमशान घाट हो जाते हैं तो वहीं टीन शेड भी नहीं है। इसी प्रकार मामले में राहतगढ़ क्षेत्र की कई बार देखने को मिल चुके हैं। मैं सतीश तिवारी, ग्राम हुरा से। आज मेरे गांव में एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम श्रीमती हरिबाई राजपूत, उम्र करीब 70 वर्ष, इनका निधन हो गया था। चूँकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे गांव की हालत, पूरे में घुटना घुटना पानी है। यहाँ इतने में हम लोगों को लेके आए, बड़ी मुश्किल से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इस संबंध में हम लोग ने ग्राम पंचायत परासरी कला सरपंच से जनपद में लिखित में इस रोड के लिए मंजूरी मांगी गई है और अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। पूरे ग्रामीणों के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है प्रति वर्ष। मैं सतीश तिवारी, ग्राम हुरा से। आज मेरे गांव में एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम श्रीमती हरिबाई राजपूत, उम्र करीब 70 वर्ष, इनका निधन हो गया था। चूँकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे गांव की हालत।